गाइज, आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर सबसे बड़े जीव यानी डायनासोर का अस्तित्व था। यह समय पृथ्वी के अस्तित्व का मध्यकाल था, जब हमारी इस धरती पर चारों तरफ डायनासोर रहा करते थे। लेकिन आज के युग में केवल डायनासोर के अवशेष ही पाए जाते हैं। डायनासोर हमारी इस धरती के अब तक के सबसे बड़े सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स है जो कभी अस्तित्व में थे। गाइज, डायनासोर पृथ्वी पर राज करने वाले सबसे पुराने और सबसे शक्तिशाली जीवों में से एक थे। उनकी विलुप्ति कई मान्यताओं के बाद भी आज भी एक रहस्य है और हमें जीवाश्मों से उनके अस्तित्व के बारे में पता चलता है। गाइज, वैज्ञानिकों को हमेशा से ही इस जीव के बारे में अधिक से अधिक जानने की दिलचस्पी रही है, लेकिन 1993 में फिल्म जुरासिक पार्क के रिलीज होने के बाद आम लोगों में भी इस जीव के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई है। अब हर कोई डायनासोर के बारे में जानना चाहते हैं। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको डायनासोर के इतिहास के बारे में बताने वाला हूं, साथ ही डायनासोर से जुड़े कुछ आश्चर्यजनक रोचक तथ्य और उनके विलुप्त होने के कारणों के बारे में बताने वाला हूं। गाइज, यह वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं इसी तरह की मज़ेदार वीडियोज़ को अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो गाइज, अब हम आपको आज से करोड़ों साल पहले की दुनिया यानी कि डायनासोर की दुनिया में लेकर चलते हैं। गाइज, डायनासोर की उत्पत्ति आज से 23 करोड़ साल पहले हुई थी। लगभग 16 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर रहने के बाद आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर लुप्त हो गए। जिस समय हमारे इस धरती पर डायनासोर मौजूद थे, उस समय सातों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और लगभग 20 करोड़ साल पहले महाद्वीप एक दूसरे से अलग होने लगे, जिसके कारण डायनासोर धरती के सभी क्षेत्रों में फैल गए। यही कारण है कि अंटार्कटिका सहित पृथ्वी के हर महाद्वीप पर डायनासोर के जीवाश्म पाए गए हैं। गाइज, पृथ्वी पर डायनासोर 16 करोड़ से अधिक सालों तक जीवन जी रहे थे, जिसकी तुलना अगर हम मानव जीवन से करें तो मानव जीवन इसका केवल 0.1% है। जिस काल में डायनासोर पृथ्वी पर जीवित थे उसे मेसोजोइक एरा कहा जाता है। वैज्ञानिक मेसोजोइक एरा को तीन काल में विभाजित करते हैं, पहला ट्रायसिक काल, दूसरा जुरासिक काल और तीसरा क्रिटेशस काल। गाइज, दुनिया में जब सबसे पहले डायनासोर्स का जन्म हुआ यानी कि ट्रायसिक काल के दौरान दिखाई देने वाले पहले डायनासोर्स छोटे और कम वजन के थे। बाद में जुरासिक काल और क्रिटेशस काल के दौरान डायनासोर्स बहुत बड़े और भारी भरकम पाए जाने लगे। और वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर का जीवन काल लगभग 200 सालों तक होता था। गाइज, डायनासोर का शरीर तो आकार में बहुत ही बड़ा हुआ करता था, लेकिन एक बड़ी ही अजीब बात तो ये है कि एक वयस्क डायनासोर का दिमाग का आकार इंसानों के बच्चे के दिमाग से भी छोटा होता था। गाइज, वैसे तो डायनासोर बहुत बड़े और विशालकाय होते थे, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि सारे डायनासोर इतने बड़े नहीं होते थे। इनकी कुछ प्रजातियाँ आकार में इंसानों के बराबर हुआ करती थी। अगर हम इनकी ऊँचाई की बात करें तो जो छोटे आकार के डायनासोर्स होते थे उनकी ऊंचाई लगभग 4 से 5 फीट होती थी, लेकिन जो बड़े डायनासोर्स होते थे उनकी ऊंचाई लगभग 50 से 60 फीट तक होती थी। ऐसा माना जाता है कि उस समय डायनासोर्स की करीब 2468 यानी कि 2468 प्रजातियां थी, जिनमें से कुछ प्रजातियों में उड़ने की भी क्षमता पाई जाती थी। और आश्चर्यजनक बात तो यह भी है कि जिस तरह सांप और छिपकली अपनी खाल उतारते हैं, उसी तरह डायनासोर्स भी समय के साथ अपनी खाल उतारते थे। गाइज, डायनासोर दहाड़ नहीं सकते थे कि वे केवल अपना मुंह बंद करके ही घुरघुरा सकते थे, और ये 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ भी सकते थे। गाइज, कुछ डायनासोर ठंडे खून वाले होते थे और शाकाहारी होते थे, लेकिन कुछ गर्म खून वाले और मांसाहारी होते थे, जिसकी चर्चा हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तो गाइज, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं जल्द ही इसका दूसरा पार्ट लेकर आऊँ। तो गाइज, डायनासोर से जुड़ी यह रोचक जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।